थाली का टुकड़ा जहाँ से मैंने ये लगाया है, देखा ये वाले जो चिक्स हैं ये दोनों फर्स्ट क्लच के अपने लिए रोके थे कुछ। आपको मिट्टी का बर्तन हटाने के बाद मिट्टी का बर्तन है, इसमें आपको पानी रखना है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सलमान और आप देख रहे हैं इंडियन बजीज एंड लवबर्ड चैनल। दोस्तों आज आपके लिए वीडियो मैं काफ़ी दिन बाद लेकर आया हूँ और 8 से 9 दिन हो गए वीडियो नहीं ला पा रहा था, काफ़ी बिजी था, बजीज की कॉलोनी में कुछ काम किया था। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ जो मैंने कुछ चिक्स स्पेंगल के रोके थे उनको मैं रिलीज़ करूँगा और कितने मेल फीमेल कन्फर्म है, पुराने ब्रीडर पेयर कितने हैं और नए चिक्स कितने हैं, टोटल मिलाकर हमारे पास इस सीज़न के लिए बजीज पैरेट कितने होते हैं जो हम इस सीज़न में ब्रीड लेने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों दिखाता हूँ आपको कितने हमारे पास पेयर होते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सेटअप के अंदर। तो फ्रेंड्स देखिए अब कॉलोनी के अंदर चलते हैं और बजीज मैंने जो अलग किए थे, तो दोस्तों ये देखेंगे कॉलोनी बिल्कुल खाली है और यहाँ देख सकते हैं ये पूरी स्टिक है और यहाँ पर कुछ मैंने स्टिक को सही करके यहाँ पर सीमेंट और वाइट पुट्टी है उससे यहाँ पर कुछ रिपेयरिंग की है और कुछ थोड़ा सा पेंट वगैरह भी किया है मैंने। ठीक है, बजीज क्या करते हैं उनको दीवार खाने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, सीमेंट को खाना और गड्ढे कर देना और कुछ ऐसा होता है कि दीवार खाते खाते लोग नहीं देखते हैं अपने सेटअप में तो दीवार में सुराख कर देते हैं और दूसरी तरफ से वो उड़ जाते हैं अगर खाली होती है पीछे की साइड। तो यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुराख कर दिया था इन्होंने, मैंने शायद पहले भी आपको दिखाया होगा, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा सुराख कर दिया था कि बजीज अंदर घुस के सीमेंट खाते थे और निकल कर बाहर आ जाते थे। तो मैंने सोचा कि जब उनको सबको मैं बजीज को अलग कर दूंगा ब्रीडर पेयर को सबको एक जगह करके टाइम निकाल कर, तो उसके बाद में मैंने सीमेंट से ये पूरा भर दिया, ईंटें भी भरकर सीमेंट से पूरा भरकर, और ये मैंने देखिए जाली यहाँ पर लगाई है, ये देखिएगा ये जाली का टुकड़ा यहाँ से मैंने ये लगाया है और अब क्या होगा सिर्फ जाली तक ही रहेंगे बर्ड, अंदर नहीं बैठेंगे, यहाँ पर बैठकर वो सीमेंट को खाते थे यहाँ पर बैठकर अंदर। तो दोस्तों ये थोड़ा सा मुझे काम करना था और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसके लिए मैंने बर्ड को अलग किया। अलग करने के बाद उनको मैंने काउंट भी किया कि हमारे पास ब्रीडर पेयर थे पुराने उनको मेल फीमेल कितने हैं, नॉर्मल बजीज में और स्पेंगल में कितने हैं, और जो मैंने बजीज स्पेंगल रोके थे चिक्स रोके थे फर्स्ट क्लच के वो मेल फीमेल कितने हैं वो भी मैंने काउंट कर चुका हूँ, तो आपको मैं दिखाऊँगा और उससे पहले मैं उन बर्ड को रिलीज़ करूँगा। देखिएगा ये वाले जो चिक्स हैं ये दोनों ये स्पेंगल हैं जो कि मैंने फर्स्ट क्लच के अपने लिए रोके थे कुछ स्पेंगल के चिक्स थे, और इसके अंदर फीमेल हैं और इसके अंदर मेल हैं, तो ये टोटल मेल हैं ये टोटल फीमेल्स हैं। तो इसके अंदर जो फीमेल्स हैं ये पूरे 10 पीस मेल हैं और 10 पीस फीमेल हैं और ये फुल्ली एडल्ट हो चुकी हैं यानी कि फर्स्ट क्लच की हैं, तो फुली एडल्ट 7 महीने की फ़ीमेल 8 महीने की फ़ीमेल और मेल फीमेल दोनों हो चुके हैं। तो चलिए हम इनको अब रिलीज़ कर देंगे। और दोस्तों ये वाले जो पेयर हैं ये देख सकते हैं ये वाले ये मेल फीमेल ब्रीडर पेयर वो हैं जो अब हमारी कॉलोनी में ऑलरेडी थे पिछले सीज़न के जो हमारे पास ब्रीडर पेयर थे। दोस्तों इसके अंदर नॉर्मल जो मेल फीमेल हैं वो हैं 20 पीसेस और फीमेल हैं 17 पीसेस, ये टोटल हो जाते हैं 37 पीसेस यानी 37 पीस। तो दोस्तों इसके अंदर जो स्पेंगल जो हमारे ब्रीडर पेयर हैं वो मेल हैं 17 पीस और फीमेल हैं 10 पीस, यानी कि टोटल जो स्पेंगल ब्रीडर पेयर हैं वो 27 पीस हैं 27 पीस। और दोस्तों हमारे जो स्पेंगल चिक्स हैं और जो हमने भी उनको रोका था वो हैं टोटल 20 पीसेस 10 मेल 10 फीमेल 20 पीसेस, दोनों मिलाकर टोटल 84 पीसेस हो जाते हैं यानी कि 42 पेयर 42 पेयर्स हो जाते हैं। फ्रेंड्स ये देखिएगा ये हमारे जो पुराने चिक्स हैं पहले हम उनको रिलीज़ करेंगे, ये स्पेंगल के मेल हैं 10 पीस, तो इसको हम निकाल देते हैं। फ्रेंड अब इसके बाद में हम लेते हैं फीमेल्स जो कि चिक्स हैं और ये भी 10 पीसेस हैं और हमारी घर की होम ब्रीड है जो हमने रोके थे अपने लिए, तो चलिए इसका हम डोर खोल देते हैं। अब इनको पहली बार इतनी बड़ी कॉलोनी मिली है, फ्लैट मिली है, क्योंकि ये शुरू से जो है 6-7 महीने से एक ही केज के अंदर थे,
तो अब वक्त आया है इनका एक बड़े सेटअप में घूमने का, रहने का। जो हमने 20 पीसेस थे वो रिलीज़ कर दिए, जो 6 रोके थे। अब इसके बाद में जो हमारे 37 पीसेस है उसको हम रिलीज़ करते हैं, जो हमारे पुराने ब्रीडर पेयर हैं। इनको हम मेन डोर है यहीं से खोल देते हैं, अब ये खुद ही बाहर निकलेंगे। जो बजीज थे वो रिलीज़ कर दिए हैं, लेकिन अभी थोड़े से रह गए हैं, अभी वो खुद निकल कर नहीं आ रहे, और ये अपने आप निकल कर आ जाएंगे। मैंने डोर ओपन कर दिया है। तो मौसम अब जो है बदल चुका है और बरसात चल रही है, तो बरसात में हम गर्मियों में हम क्या करते थे कि मिट्टी के बर्तन में पानी रखते थे, मिट्टी के बर्तन में पानी से क्योंकि पानी ठंडा रहे। लेकिन अब बरसात है तो ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ चुका है, 80-90-70 तक ह्यूमिडिटी लेवल है, नमी बढ़ रही है बरसात होने से। तो दोस्तों उससे जो है ना पानी बर्ड को ठंडा मिलेगा, तो उससे बर्ड को सर्दी लगने का थोड़ा सा खतरा रहता है। लेकिन अब जो है आपको मिट्टी का बर्तन हटाने के बाद प्लास्टिक के बर्तन में आपको पानी रखना है। तो जैसे ये मैंने प्लास्टिक के बर्तन में पानी रखा है, तो इस तरह से आप चिका बर्तन है इसमें आपको पानी रखना है, ठीक है। मिट्टी वाला जो बर्तन था वो आपको हटा देना है कॉलोनी में से। टोटल हमारे पास 84 पीसीज है, यानी 42 पेयर हैं। तो अब हम इनसे इस सीज़न में ब्रीड लेंगे 42 पेयर से, और आगे आगे हम धीरे धीरे और बढ़ाएंगे बर्ड, और मैं इसको और जो इसकी कैपेसिटी है 50-70 के बीच में इसकी सेटअप की जो कैपेसिटी है ब्रीडिंग की वो इतनी है, आप मैं 70 पेयर भी रख सकता हूँ। लेकिन अभी हमारे पास 42 पेयर है, 42 पेयर से ही काफ़ी होगा। स्पेंगल पेयर ज़्यादा है, नॉर्मल बजीज हम कम रख रहे हैं इस बार। और देखिए आगे वाले सीज़न में हम रेम्बो भी रखने वाले हैं, अभी रेम्बो भी इस ब्रीडिंग में रेम्बो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक के साथ। अब तक अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।